दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके पहले आम आदमी पार्टी ऑटो चालकों के लिए भी 5 घोषणाएं कर चुकी है, जिसमें 10 लाख रुपए की बीमा से लेकर बच्चों की पढ़ाई के खर्च उठाने जैसे वादे शामिल हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1,000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1,000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1,000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ही ऐलान होने वाले हैं, इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1,000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1,000 रुपए।